नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी2 एकेडमी पे, जहां पे आपको सबसे पहले सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, नीट एग्जामिनेशन रिजल्ट आने के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को इस बात को लेकर मिल रहा है कि जिस तरीके से मार्क्स का उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था उस तरीके से उनके मार्क्स नहीं आए हैं। साथ ही साथ मेरे पास कई लोगों के कमेंट इस बात को लेकर भी आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में, ठीक है ना। देखिए, 700 से अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या इस बार 82 है, ठीक है ना। जिसमें से अगर हम टॉप लिस्ट की बात करें तो लगभग 715 मार्क्स जो बुलाए हैं, लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 715 मार्क्स लाए हैं। वही टॉपर में अगर हम देखें तो 3 स्टूडेंट्स ने इस बार टॉप किया है, लगभग 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाए हैं, जिसमें एक साउथ का भी स्टूडेंट है, ठीक है। उसमें से कई सारी कोचिंग संस्थान का उन पर जो है दावा किया जा रहा है कि ये मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो अभी बात बताई है वो हिस्ट्री में, पूरे नीट के हिस्ट्री में जो एनटीए के द्वारा जब से लिया जा रहा है तब से हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 3 लोग टॉप किए हैं 720, ठीक है ना, 720 नंबर लाए हैं। साथ ही साथ 716 के बाद 715 में लगभग 16 स्टूडेंट 715 में, यानी कि लगभग 5 से लेकर के लगभग 20 रैंक तक लगभग 715 ही आते हैं। और 700 अगर प्लस की बात करें तो लगभग 82 स्टूडेंट्स हैं, जो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं था कि 700 से अपर जो स्टूडेंट लाने वाले मार्क्स हैं वो 82 हो, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है ना। लेकिन कई सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि उनके पेरेंट्स के द्वारा उन पे दबाव बनाया जा रहा, तो सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज ऐसी दबाव इस समय में ना बनाएं। किसी भी पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चे पे ऐसा दबाव ना बनाए। कई लोग कह रहे हैं कि सर मैं कुछ कर लूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कमेंट आप देख सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स को द्वारा बहुत सारी चीजें देखने को मिल रहा है, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊं। देखिए, मैं पहले बता दूं कि ये रिजल्ट, ये मार्क्स, ये सभी चीजें आपके लाइफ का जो है डिसीजन नहीं कर सकते कि आप अपने लाइफ में क्या करेंगे। अगर आपसे डॉक्टरी नहीं हो पाता तो उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बहुतों लोग के देखा कि जो डॉक्टर बन करके, जो इंजीनियर बन करके वो अपने सिविल के फील्ड में गए, सिविल सर्विसेज निकाल करके एक बड़े अच्छे जॉब जो है वो कर रहे हैं। तो आप कई और भी जगहों आपके हैं वहां पे आप अपने ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके आपसे नीट ना निकला तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा भी और भी आपके पास रास्ते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं कि अगले बार एग्जामिनेशन दें, कई लोगों का कंडीशन ऐसा होगा जो अगले बार एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा। आपके लिए मैं अनअकैडमी का एक कोर्स सजेस्ट करना चाहता हूं, आप पहले देखिए, फिर मैं तुरंत रिटर्न आते हैं और भी बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर आपके रैंक अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी खराब है या फिर आप चाहते हैं कि ड्रॉप लेने के लिए, तो आप नीट 2022 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे दोस्तों अल्फा लीडर्स बैच स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से, इसमें 3 टीचर्स मिलकर के आपको पढ़ाएंगे। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपको टारगेट नीट 2023 है तो भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है वो 10 नवंबर 2021 से होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 2023 के लिए एक बैच और स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर से। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 10 नवंबर से 3 बैचेज जो है वो 2023 के लिए, साथ ही एक बैचेज 2022 के लिए जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, साथ ही इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस भी आप यहाँ पे से दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको हर एक क्लास की PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस 30 मिनट में आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चंस को 30 मिनट में आपको करने का टाइम यहाँ पे होगा, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग 8 नवंबर से होने वाली। तो इस बैच को ज्वाइन करने पे आपको ये चीज़ें फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ। अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप V2 कोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही V2 आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ऑनलाइन परचेज करते समय जो है V2 कोड का यूज जरूर करें, वहां पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं बहुत ही अच्छी बात है, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है फिर से ट्राई करना है, फिर से एकदम फोड़ देना है, ठीक है ना। अगले बार एकदम फोड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही जल्द आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे, लगभग मार्च अप्रैल में आप सभी की इस बार एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा ली जाएगी। इस बार डिले होने के कारण इसके पीछे एक वजह था कि आप सभी के COVID-19 पैंडेमिक का जो स्थिति चल रहा था, जिस कारण से आपकी एग्जामिनेशन जो है वो डिले हुई थी, ठीक है। तो आप लोग बस तैयारी में जुट जाइए, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो मुझे कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आप सभी का, अगर किसी को काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से काउंसलिंग में पूरी तरीके से हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।